यहाँ का मेला भी अच्छा होता है और यहाँ का पूजा भी अच्छा होता है और यहाँ पंडाल भी अच्छा होता है। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला में देर शाम वेदी पर माँ दुर्गे की प्रतिमा की स्थापना की गई। मारवाड़ी पाठशाला में हर वर्ष बड़े बड़े मंदिरों के तर्ज पर पंडाल का निर्माण कराया जाता है। इस वर्ष दक्षिणेश्वरी काली कोलकाता के तर्ज पर पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। हालांकि इस वर्ष थोड़ी बहुत छूट है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। मारवाड़ी युवक संघ के सदस्यों ने कहा कि भीड़ होगी, लेकिन हम लोगों को जो आदेश मिला है उस पर ही काम करेंगे। जो श्रद्धालु आएंगे वो वैक्सीनेटेड रहेंगे, पुलिस प्रशासन के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। वहीं छोटी बच्ची सृष्टि ने भी लोगों से अपील की है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सभी पालन करें। पूजा को लेकर के इस बार दिशा निर्देश है कि हम लोग कोरोना का नियम का जो पालन है, सरकार का जो गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के भरसक प्रयास किया जाएगा और जो लोग आए पूजा में उनका सही से एंट्री करा के और एग्जिट करा दिया जाए। इस बार जो आदेश है वैक्सीनेटेड रहेंगे जो भी मेले में आएंगे तो कैसे उसका उसके लिए पुलिस प्रशासन भी उसके लिए तत्पर रहेगी और ये काम उनके और हमारे सहयोग से आपसी सामंजस्य से उस चीज़ को देख लिया जाएगा। पंडाल किस तर्ज पे बना रहे हैं? दक्षिणेश्वर काली जो कलकत्ता में है उसी के तर्ज पर हम लोग उस रूप को देने का प्रयास किए हैं। युवक संघ के हम लोग सदस्य हैं, मुकेश मुकुंद। इस बार कोरोना गाइडलाइंस का कैसे पालन किया? सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ पूजा करनी है। पूजा पिछले साल नहीं हुई है, लोगों में उत्साह और उमंग है, लोग हैं, लेकिन उत्साह और उमंग के साथ सबसे पहले देखना है जो कोविड के गाइडलाइंस हैं उनका पालन यथासंभव दर्शनार्थियों को करना है। पूजा समिति को तो करना ही है, दर्शनार्थियों को भी इसका पालन करना है। प्रशासन किस तरह की व्यवस्था करवाई जा रही है प्रशासन की ओर से? पुलिस द्वारा प्रशासन से निर्देश हम लोगों को समय समय पर मिल रहा है। जो निर्देश प्रशासन हम लोगों को दे रही है हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। कितना पुलिस बल तो आप लोगों के द्वारा मांगा गया होगा? पुलिस बल तो मांगा गया है, उसके अलावा पुलिस बल चूंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय भीड़ की स्थिति को देखते हुए, भीड़ का आकलन करते हुए यहाँ पुलिस बल भेजा जाता है। पुलिस बल का पूरा सहयोग रहता है, प्रशासन के लोगों का पूरा सहयोग रहता है। हर बार की तरह इस बार भी सहयोग रहेगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि जितनी अच्छी तरह से कोविड के गाइडलाइन के मद्देनज़र हम लोग पूजा संचालित कराएंगे। मेरा नाम सुधाकर है। हम लोगों ने यहाँ जो भी कर्मी हैं यथासंभव प्रयास किया है कि सभी लोग वैक्सीनेटेड हों। जितने भी कर्मी हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जो लोग डबल डोज ले लिए हैं उन्हीं लोगों को हमने दुकान पर आने के लिए कहा है कि वैसे ही लोग वैसे ही कर्मी रहें जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं डबल डोज। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनन्या मुकुंद और सृष्टि मुकुंद है। कहाँ पे आए हम लोग? युवक संघ। बोलिए युवक संघ। युवक संघ की तरफ से क्या कहना चाहते हैं लोगों से? लोगों से कहना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहन के आया करें और हाथ में सैनिटाइजर रखें और यहाँ का मेला भी अच्छा होता है और यहाँ का पूजा भी अच्छा होता है और यहाँ पंडाल भी अच्छा होता है और यहाँ हम लोग आते भी रोज हैं।